एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो आज है दिन फ्राइडे और शाम के बज रहे हैं ठीक 5:30। एंड आपको पता ही है 5-5:30 बजे के करीब मैं क्या करती हूँ। जी हाँ, यहाँ पर चाय बन रही है इवनिंग वाली। बच्चे बाहर खेल रहे हैं क्योंकि आज फ्राइडे है तो टेंशन फ्री होके वो लोग खेल रहे हैं। और हाँ, विदांश की तबीयत अब काफ़ी ज़्यादा ठीक है, तो कल मैं उसको प्रॉपर जो है मेडिसिन दे रही थी, तो आज उसकी तबीयत ठीक है इसीलिए वो भी खेलने गया है। एंड अभी जो है चाय पियेंगे इवनिंग वाली, उसके बाद मुझे करनी है पैकिंग। कि मैंने आपको बताया था कुछ टाइम पहले कि आने वाली हूँ अपने ससुराल, तो बस अब हम लोग 2-3 दिन बाद जो है निकल जाएंगे ससुराल के लिए। तो बस अभी मुझे पैकिंग करनी है, काफ़ी सारी पैकिंग करनी है, कुछ भी नहीं किया अभी। और इस बार मैं चाह रही हूँ कि मैं ना एक दिन के लिए ही काम ना रखूँ, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ ना, कि मैं ना बिल्कुल वेट करती हूँ उस डे का जिस दिन जाना होता है, उससे एक दिन पहले नाइट में पैकिंग करती हूँ और कुछ ना कुछ सामान भूल जाती हूँ। तो इस बार मुझे ऐसा नहीं करना है। रात्रे हैं और नवरात्रों में मेरी ससुराल में है जागरण, तो इसीलिए हम लोगों को जाना है, तो पहले ही निकल जाएंगे हम। तो आप लोगों के साथ तो मैं शेयर करूँगी जब भी जाएंगे। तो यहाँ पर बन चुकी है इवनिंग वाली चाय, और काफ़ी सारे लोग जो है ना मुझसे शिकायत कर रहे हैं आजकल कि दी आपकी जो आवाज़ है वो बहुत कम आती है जब आप वॉइस ओवर करती हैं। तो आप लोग मुझे बताइए कि सच में बहुत ज़्यादा कम आती है या कुछ लोगों को कम आती है। तो अगर सबको कम आती है तो यानी कि प्रॉब्लम मेरी वॉइस में ही है, मैं बहुत धीरे बोलती हूँ। और अगर कुछ लोगों को आती है तो हो सकता है कि उनके फ़ोन में कुछ प्रॉब्लम हो, तो बताइएगा ज़रूर। और अभी जो है ना मैं करने लगी हूँ पैक। तो पहले जो है ना मैंने छोटा वाला बैग निकाला था, तो मैं उसमें कपड़े रख के देख रही थी, बट इतने सारे कपड़े हो रहे थे ना कि छोटे वाले बैग में फिट ही नहीं आए। फिर मैंने बड़ा बैग निकाला और बड़े वाले बैग में भी मैं जब कपड़े रख रही थी ना, तो उसमें भी वो फिट नहीं आए। तो मतलब मेरे कपड़े आ गए और बच्चों के, और इनके तो अभी मैंने जो है पैक किए ही नहीं थे। तो एकदम से सारी पैकिंग नहीं करूँगी मैं, धीरे धीरे करके करूँगी, क्योंकि एकदम से तो पता भी नहीं चलता है कि हमें क्या क्या रखना है। तो हर दिन जो है ना याद आता रहता है। तो बस फ़िलहाल मैंने अपनी पैकिंग करी है और बच्चों की करी है, इनकी जो है मैं सबसे लास्ट में करती हूँ। और जैसे मैंने आपको बताया कि ससुराल में जा रही हूँ, तो हम लोग ट्यूसडे तक शायद निकल जाएंगे, और उसके बाद जो है मैं आपके साथ वहाँ के वीडियो शेयर करूँगी। तो पिछली बार क्या हुआ था, जब मैं अपनी ससुराल गई थी और उससे पहले भी, तो वहाँ ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, जिस वजह से मैं वहाँ से व्लॉगिंग नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी। लेकिन अब जो है वहाँ सारा काम हो चुका है, किचन बन चुकी है और घर का सारा काम निपट गया है, तो इस बार वहाँ का जो है हाउस टूर भी मैं आपको दूंगी और वहाँ से प्रॉपर व्लॉगिंग होगी। तो फिलहाल यहाँ पर मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ, और डिनर में मैं बनाऊँगी मूँग की दाल की बड़ी। सब्जी को फ्राई करने की पूरी तैयारी मैंने कर ली है, और जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पर मसाले तैयार कर लिए हैं। तो टमाटर, हरी मिर्च और अदरक जो है मैंने पीस ली है, तो पीस के ही डालने वाली हूँ मैं इसे, आज चॉपर में नहीं चॉप्ड करूँगी। और साथ ही साथ जो है तेल भी गर्म हो चुका है, तो बस अभी जो है इसमें बड़ी ऐड करेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो ये मूंग की दाल की बढ़िया है, क्योंकि पिछली बार कोई मुझसे पूछ भी रहा था कि आपने ये जो फ्राई किया था ये क्या था। और ये बढ़िया जो होती है ना अलग अलग शेप में मिलती है आपको। तो अब जो है तेल में मैंने जीरा और हींग डाल दिया है, साथ ही साथ इसमें सूखे मसाले ऐड करेंगे, और उसके बाद इसमें ऐड करेंगे जो टमाटर की प्यूरी है वो, और उसके बाद बहुत अच्छे से मसाले को भूनने के बाद इसमें आलू और बढ़िया जो है ना मिक्स कर देंगे, और साथ ही साथ मैं उसमें करीब 2 ग्लास पानी डालूंगी और 3 से 4 सीटी आने तक इसको पकाऊंगी। और 3 से 4 सीटी में ये बढ़िया बहुत अच्छे से पक जाती हैं, बहुत अच्छे से गल जाती हैं और खाने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अभी तो होमवर्क कर लो, लेकिन जो न्यू पेंसिल दी है ना वो भी मिलनी चाहिए, ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए मिल रही है। तो
नहीं नहीं ले लो, नहीं इसमें कुछ नहीं है, ये लो अपनी पेंसिल भी ढूंढ के लेना है मेरे को आज ही, तो फिर पता है ना क्या होगा। और यहाँ पर पता है क्या हुआ है, अभी विधांश ने अपनी पेंसिल खो दी है, तो मैंने उसको जो है ना दूसरी पेंसिल दी है। बस इतनी सी बात को लेके उधर वंशिका का मुंह फूल गया है, वो चिढ़ गई है कि मुझे जब भी मिलती है तो हमेशा डांट लगा के मिलती है और विधांश को प्यार से मिल गई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको मैंने बस थोड़ी देर के लिए दी है जब तक इसका होमवर्क हो जाता है, तब तक जैसे इसका होमवर्क हो जाएगा ये पेंसिल मैं इससे ले लूँगी और उसके बाद ये जो है अपनी जो पुरानी पेंसिल है वो ढूंढ के मुझे देगा। सुबह क्यों, तो फिर खाना भी सुबह मिलेगा, खाना भी सुबह ही मिलेगा। भूख नहीं लग रही है, ये देखिए। तो ऐसा ही होता है दोनों बच्चों के साथ, ये दोनों इतनी लड़ाई करते हैं, इन दोनों के अंदर ऐसा है ना कि अगर एक के साथ कुछ कर दिया ना तो इसके साथ ऐसा क्यों किया है, मुझे तो ऐसा नहीं करते हो, तो बस यही रहता है। वंशिका क्या है, पीनट्स खाने? नहीं खा लेना प्लीज, नहीं खाने, आप खा लो, आप खा लो। मैं तो खाऊंगी, तुम भी खा लो। नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। पीनट्स खाने? हाँ। खाने? जब भी मेरे को देंगे इसको तो पीनट्स, पहले इसको पीनट्स मिलेंगे, उसके बाद इसको क्या मिलेगा पता है ना। अभी उसकी भी बारी आएगी, अभी वो होमवर्क कर ले, बस जैसे ही होमवर्क निपटाएगा उसको भी डोज मिलेगी आज, तो विधांश को भी मिलेगी, पक्का मिलेगी। विधांश अगर आज पेंसिल खोई होगी ना तो देख लेना, हर दिन का यही तमाशा है, रोज इन्हें हर तीसरे दिन मैंने पेंसिल देती हूँ न्यू। अच्छा? और हर तीसरे दिन ये पेंसिल खो देते। अच्छा? और वैसे मोस्टली जो है वंशिका खोती है, लेकिन इस बार जो है ना वंशिका ने नहीं खोई है, तो इसीलिए वो थोड़ा सा यू नो होता है ना कि मैंने नहीं खोई तो इस बार विधांश ने खो दी है। हालांकि होगी घर पे, मिल जाएगी, बट देखते हैं अभी। ठीक है, तैयार है विधांश? काफ़ी लोग जो है ना मेरे से ये पूछते थे कि दी आपके बच्चे शैतानी नहीं करते हैं क्या, बहुत शांति से रहते हैं, तो आज आपने देख ही लिया है कि वो कितनी शांति से रहते हैं। एंड ये इतने ज़्यादा लड़ाई करते हैं ना, इतनी ज़्यादा जिसकी कोई हद नहीं है, तो अगर हम इन्हें अकेले भी छोड़ देंगे ना तो बहुत बुरी तरीके से लड़ाई करते हैं दोनों के दोनों। मतलब अगर हम इन्हें 15 मिनट के लिए छोड़ेंगे ना तो ये 5 मिनट शांति से बैठेंगे और 10 मिनट ना इन लोगों की लड़ाई चलती रहती है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि किस किस के घर में ऐसा ही होता है और बच्चे इसी तरीके से जो है ना लड़ाई करते हैं। तो किसी तरीके से वंशिका को मैंने मनाया और अब जो है उन दोनों को डिनर के लिए मैंने बिठा दिया है, और यहाँ मैं रोटियाँ बना रही हूँ और साथ ही साथ उनको सर्व भी कर रही हूँ। जल्दी जल्दी उठो, जल्दी नहीं बहुत ज्यादा टाइम हो गया वैसे, जल्दी उठो जल्दी उठो बेटा, 10:30 हो गया है, 10:30, उठो जल्दी उठो, शाबाश, उठो उठो उठो, नहीं उठो नाश्ता करना है, जल्दी उठो। तो ये है सैटरडे मॉर्निंग, बच्चों को मैंने उठा दिया है और उठते ही वंशिका जाती है सबसे पहले ब्रश करने। तो आज छोटा सा वंशिका का मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी इसी वाले व्लॉग में। तो वंशिका जो है हाथ मुंह धो के आ चुकी है और इतनी देर में मैं उसके लिए कर रही हूँ मिल्क गर्म। तो मिल्क तो यहाँ पर मैंने दोनों ही बच्चों के लिए गर्म किया था, लेकिन मैं वंशिका का जो है मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आज फोकस जो है वंशिका पे रहने वाला है। और बहुत टाइम से आप लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे ना कि दी वंशिका का मॉर्निंग रूटीन हम लोगों के साथ शेयर कीजिए, तो इसीलिए मैं शेयर कर रही हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ वंशिका विधांश का ही मॉर्निंग टू नाइट रूटीन शेयर करूँ, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा और भर भर के इस वीडियो को लाइक दीजिएगा, तो फिर जो है ना मैं दोनों का ही मॉर्निंग रूटीन, मॉर्निंग टू नाइट रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। चलो खाएंगे। तो
तो वंशिका तो शावर लेके आ चुकी है और नाश्ते का वेट कर रही है, लेकिन इतनी देर में वेदांश भी जो है शावर लेके आ गया था, तो बस मैं उसको जो है ना कपड़े पहनाने में रह गई। वैसे तो वो खुद पहन लेता है, लेकिन कभी कभी है उसका मन करता है कि नहीं मम्मा आज आप मुझे पहनाओ, तो बस यहाँ पर मैं उसको कपड़े पहना दूंगी, उसके बाद जो है मैं इन दोनों को नाश्ता दूंगी। और आज का हमारा नाश्ता है इडली सांभर और साथ ही साथ है मूंगफली की चटनी। तो यहाँ पर इडली बन चुकी है एक बार की, तो सांभर बनने में ना अभी थोड़ा सा टाइम था, तो फिर मैंने बच्चों से पूछा कि तुम लोग चटनी में खा लोगे, तो उन्होंने बोला हाँ मम्मी फ़िलहाल हम चटनी में खा लेंगे, लेकिन बाद में जो इडली खाएंगे फिर हम सांभर के साथ खाएंगे। तो ऐसा होता है कि जिस दिन इडली बनती है उस दिन बच्चे बोलते हैं कि मम्मा इतनी बना देना कि हमें दोपहर में लंच में भी वही खाएं, क्योंकि इन दोनों को इडली सांभर बहुत ज़्यादा पसंद है, स्पेशली वंशिका को। तो यहाँ पर मैंने जो है पहले वंशिका और विदांश दोनों की प्लेट लगा दी है, तो इनको मैं चटनी के साथ दूंगी और सांभर के साथ जो है ना ये दोपहर में खाएंगे। तो यहाँ पर ये देखिए ये कर रहे हैं अपना नाश्ता इंजॉय, और नाश्ते के बाद ये देखेंगे थोड़ी देर टीवी, और इसके साथ ही मैं अपने इस वाले व्लॉग का एंड करती हूँ। तो ये था मेरा वीडियो, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।